As you know that our chapter number 10, that is Kingdom Animalia, is going on. Today we are going to start our new topic, that is Phylum Platyhelminthes. In our previous class we have done Phylum Cnidaria. So today we are going to start our new phylum, that is Phylum Platyhelminthes. It is the third phylum of Kingdom Animalia. And characteristic of Platyhelminthes are, there are about 15,000 species of Platyhelminthes. They are soft bodies, flat or ribbon-shaped worm, thought to have evolved from a cylindrate like worm which resembles a planula larva. तकरीबन 15,000 species पाई जाती है Platyhelminthes की और ये third phylum है Kingdom Animalia का. इनकी body soft होती है, flat होती है. इनको फ्लैट वॉर्म भी इसलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बिन चपटे हुए होते हैं और रिबन शेप की होती है, मतलब रिबन शेप की. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं इसके वो रिबन शेप के होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना. और ये कहाँ से इवॉल्व हुए, ये सेलेंट्रेट से इवॉल्व हुए, मीन्स Cnidaria से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना. हमने Cnidaria में, जब अगर आपको याद हो, हमने स्टडी किया था, जब उसका लार्वा था प्लैनुला लार्वा, उससे रिसेंबल करते हैं, इनकी शेप जो है उससे रिसेंबल करती है. Of all the animals that have a head, Platyhelminthes are the least complex. ठीक है ना. जैसे कि हमने पहले Phylum Porifera को स्टडी किया, फिर उसके बाद Phylum Cnidaria को स्टडी किया, तो उन दोनों में क्या होता है कि उन दोनों में हेड नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों के बाद ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनमें हेड पाया जाता है. Porifera में तो नर्वस सिस्टम भी नहीं था, लेकिन Cnidaria में जो था नर्वस सिस्टम था, लेकिन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था. और इनका क्या होता है, इनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है. डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो होता है कि जिसमें कोई एक सेंटर पार्ट नहीं होता, यूनियन डायरेक्शनल नहीं होता, मीन्स पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स जो है आपस में यू मूव कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन नहीं होती, जहाँ पे एक पॉइंट नहीं होता जहाँ पे सारे मैसेज जो है ट्रांसफर हो, उसको डिफ्यूज कहा जाता है. लेकिन सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, वो सिस्टम जिसमें एक प्रॉपर जो है पॉइंट हो, जितने भी मैसेज जा रहे हो, जितने न्यूरॉन जा रहे हो, वो मैसेज लेके उस पॉइंट तक जा रहे हो. तो Cnidaria में ये था कि उनका हम कह रहे हैं कि डिफ्यूज था, मीन्स कोई उसमें जो है एक पॉइंट नहीं था, उनमें नर्वस सिस्टम तो था लेकिन एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था. इनका सेंट्रलाइज होता है, मीन्स इनका इनके पास एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है कि सारे जो है मैसेज और सारे न्यूरॉन मूव करके उसी पॉइंट पे जाते हैं, मींस ब्रेन की तरह होता है. ब्रेन तो नहीं होता, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं आपस में एक जगह पे जमा होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं गैंग्लिया कहा जाता है, ठीक है ना. तो इनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है और ये फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म जिनके पास हेड है. दे हैव माउथ विच ओपन इन टू द गट बट नो एनस. इनके पास माउथ तो होता है जो कहाँ ओपन होता है, एक गट में ओपन होता है, लेकिन इनके पास एनस नहीं होता. मीन्स इनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है कि इनका एक सैक लाइक डाइजेस्ट सिस्टम होता है, मीन्स सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग से, मीन्स माउथ जो है एक ही ओपनिंग से जो न्यूट्रंस है फूड उसके अंदर बॉडी में एंटर भी हो रहे हैं और उसी ओपनिंग से बॉडी से जो वेस्टेज है वो रिमूव भी उसी से हो रहा है. मीन्स सैक लाइक इनका जो है डाइजेस्टम सैक लाइक होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता. माउथ से फूड और न्यूट्रंस जाएंगे भी बॉडी में और रिमूव भी वहीं से होंगे. दे आर ए सेलोमेट. वट इज ए सेलोमेट, अगर आपको याद हो हमने जब क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे थे कि कौन सी बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किया गया है, तो उसमें एक सीलोम का आपने वर्ड सुना होगा. सीलोम, वट इज सीलोम, सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी. जब बॉडी में कोई एक कैविटी फॉर्म होती है उसको सीलोम कहते हैं हम. तो जिन ऑर्गेनिज्म में कैविटी होती है उसमें हमें हम उनको सेलोमेट बोलते हैं, और जिन में नहीं होती हम उनको ए सेलोमेट कहते हैं. तो इनमें वो कैविटी नहीं होती इसलिए हम इनको ए दे आर ए सीलोमेट. वो कैविटी कैसे फॉर्म होती है, इनमें क्योंकि थ्री ड्रम्स होती हैं, जो मीजोड्रम है उसके स्पिल्ट होने से वो कैविटी फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे वो कैविटी नहीं है, मीन्स ये ए सेलोमेट है. बायोलिट्रल सिमेट्रिकल्स मीन्स इनकी बॉडी शेप जो है बायोलिट्रल है. बायोलिट्रल कैसी है कि अगर हम इनकी बॉडी को सेंटर किसी एक्सिस से जो है डिवाइड कर दें, तो एक एक्सिस से तो जो है इनके हमारे पास दो इक्वल हाफ मिलेंगे, लेकिन दूसरे एक्सिस से क्या होगा कि हमारे पास दो इक्वल हाफ नहीं होंगे. मीन्स एक प्लेन से इक्वल हाफ मिलेंगे और दूसरे प्लेन से इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या है बायोलिट्रल सिमेट्रिकल है.
नाइडेरिया क्या था, हमारे पास रेडियल सिमेट्री था, और उसके बाद जो है हमारे पास दो ही फाइलम जो है रेडियल सिमेट्री है, एक था नाइडेरिया, अदर वन इज एकाइनोडर्मेटा, और बाकी इसके अलावा जो प्लैटिहेल मेंथस से लेकर कॉर्डेटा तक बाकी सारे बायलिटरल सिमेट्री है कल है। टिप्रोब्लास्टिक एनिमल्स मींस इनमें थ्री कंप्लीट लेयर होती है, जर्म्स लेयर जो होती है, टिश्यू लेयर जो है तीन कंप्लीट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म विथ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, मीन्स इनमें ऑर्गन भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। तो जैसे कि नाइडेरिया में जो है सिर्फ ऑर्गन्स थे, टिश्यू लेवल लिवर था वहाँ पे लेवल, लेकिन वहाँ पे जो है ऑर्गन्स नहीं थे, यहाँ पे ऑर्गन्स भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। दे हैव मच ब्रांच इंटेस्टाइन एंड अ नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी विद लार्ज नंबर ऑफ सिलेटेड प्रोटोफेरेडिया, ठीक है ना। इनका जो इंटेस्टाइन है वो ब्रांच होता है, ठीक है ना, ब्रांच होता है मीन्स उससे ब्रांचेस निकली होती है, और इनका एक्सक्रीटरी जो होता है वो जो है क्या होता है, नेटवर्क सा बना होता है, उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटो निफ्रीडिया कहा जा रहा है, ठीक है ना, उनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको देखें तो ये ए सेलोमेट बताया गया है, और ये क्या है, यू सेलोमेट है, और ये क्या है, ये सूडो सेलोमेट। सेलोमेट मीन्स ये एक्टोडर्म है, देन मेसोडर्म, देन एंडोडर्म। जो ये मेसोडर्म है आप यहाँ नजर आ रहा है, सिर्फ आपको मेसोडर्म नजर आ रही है, कंप्लीट मेसोडर्म है, दैट्स वाई वी कॉल इट ए सेलोमेट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि जो मेसोडर्म है वो बीच में स्प्लिट हो रही है, ये आपको दो कैविटी नजर आ रही है, बीच में स्प्लिट हुई है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीलोम है, कैविटी है। सेम यहाँ भी ये जो है इसमें मतलब क्या क्या है, ये जो है दोनों तरफ मेसोडर्म नजर आ रही है, तो ये मीन्स ट्रू सेलोमेट है, और ये क्या है, ये फॉल्स सेलोमेट, जिसको हम स्टूडो सेलोमेट भी कहते हैं और फॉल्स सेलोमेट भी कहते हैं, हमने क्लासिफिकेशन के वक्त ये स्टडी किया था। तो प्लैटिहेल मेंथस जो है ये क्या है, ए सेलोमेट, मीन्स इनमें कोई कैविटी नहीं है, एक कैविटी दैट इज डाइजेस्टिव कैविटी, लेकिन मेसोडर्म के अंदर कोई कैविटी फॉर्म नहीं हो रही, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि इनमें सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, दैट्स वाई दे आर ए सेलोमेट। ये जो है फ्लेम सेल है, मीन्स ये इससे क्या है, सीलिया निकल रहे हैं, और ये ऐसे जो है ना लाइट होते हैं जैसे कि कैंडल के ऊपर जैसे फ्लेम होता है ना, तो इसलिए इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। जब ये मूव करते हैं तो ऐसा नजर आता है जैसे कि कैंडल के ऊपर जो आग लगी होती है ना, उस टाइप का ये शो हो रहा होता है। दीज मूविंग सीलिया, ये जो सीलिया है जब ये मूव करते हैं, लुक लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, हेंस कॉल्ड फ्लेम सेल। ये जब मूव करते हैं सीलिया तो ये ऐसे नजर आते हैं जैसे कि कैंडल के ऊपर फ्लेम होता है ना, मतलब चमकने वाला फ्लेम, जो आग होती है, जो स्पार्क कर रही होती है, तो इसलिए इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। ओके, अ रुडिमेंट्री नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट वेयर ए सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉट नीडेड हिंस एब्सेंट। अच्छा, इनके पास रुडिमेंट्री मीन्स अनडेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है इनके पास, रुडिमेंट्री मीन्स अनडेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है इनके पास, और क्या होता है कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता, बिकॉज उसकी नीड ही नहीं होती। नीड क्यों नहीं होती, अब ऑक्सीजन जो है और न्यूट्रंस वगैरह जितने भी है वो उनके बॉडी से डायरेक्टली जो है ना, इनके सेल मेम्ब्रेन जो है उसे डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन जो है इनकी बॉडी में एंटर होंगे, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रंस भी, तो इसलिए इनको नीड ही नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दैट्स वाई दे आर एब्सेंट, दीज आर एब्सेंट। ओके, फ्लैट वॉर्म, जैसे कि हमने कहा कि प्लैटिहेल मेंथस को हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, बिकॉज इनके शेप की वजह से कि इनके चिपटे हुए शेप होती है, आर मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट विद कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विच मैनी में इंक्लूड मैनी लार्वा स्टेजेस। अच्छा, ठीक है ना, हर्मोफ्रोडाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बायसेक्सुअल हो, मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों जो है सेक्सेस पाए जाते हैं, मीन्स वो मेल गैमेट भी फॉर्म करें और फीमेल गैमेट भी फॉर्म करें, हम उसको क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। अच्छा, इनमें क्या होता है कि इनके में भी जो लार्वा स्टेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, सो दैट्स वाई जो है इनको जो हम कह रहे हैं कि हर्मोफ्रोडाइट है, मीन्स इनमें दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट ऑफ एनिमल्स। मोस्टली क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मीन्स ये पैरासाइट हैं, तो मोस्टली ये एक्सटर्नल भी रहते हैं, मीन बॉडी के बाहर भी रहते हैं और इंटरनल भी रहते हैं बॉडी के अंदर भी एनिमल्स में, ठीक है ना, एनिमल्स में। इसके अलावा ह्यूमंस में भी होते हैं, जैसे कि इसकी एक स्पीशीज जो है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होती है, तो ये वैसे क्या है, ये है
पैरासाइट है जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पाए जा सकते हैं. विद दे रिमेन अटैच बाई दियर स्पेशल एडहेसिव ऑर्गन्स द हुक्स एंड द सकर्स. इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल जो है इनके ऑर्गन्स होते हैं, हुक्स और कौन से सकर्स, जो इनके हेल्प करते हैं इनके बॉडी से, इनके जो प्रे है उसकी बॉडी से, जो इनका होस्ट है उसकी बॉडी से अटैच हो सके. दीज पैरासाइट फ्लैटवर्म्स कंप्लीट देयर लाइफ इन वन और टू होस्ट. ठीक है ना, ये जो पैरासाइट है ये अपनी लाइफ साइकिल जो इन कंप्लीट करते हैं या तो एक होस्ट में करते हैं या दो होस्ट में करते हैं. जैसे मोनोजेनिक, व्हेन वन होस्ट इज इन्वॉल्व, जब एक होस्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक, एंड डायजेनिक व्हेन टू एनिमल होस्ट आर इन्वॉल्व. मींस जब दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे तो हम डायजेनिक बोलेंगे, और अगर एक होस्ट में कंप्लीट करें तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोजेनिक. जिस तरह आपने स्टडी हमने किया था किंगडम प्रोटिस्टा में, हमने प्लास्मोडियम के बारे में स्टडी किया था कि वो अपनी लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट में कंप्लीट कर रहा था, किसमें, एक तो था एनिमल ह्यूमन सॉरी ह्यूमन और द अदर वन इज मॉस्किटो. अपनी लाइफ साइकिल मॉस्किटो में और ह्यूमन में कंप्लीट कर रहा था तो उसको हम कहते हैं कि वो डायजेनिक, मीन्स दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है. ठीक है ना, इस तरह सेम ये भी है कि कुछ जो होते हैं, कुछ स्पीशीज जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल जो है एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं और उसको हम मोनोजेनिक कहते हैं, और जो अपने दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं उसको हम डायजेनिक कहते हैं. मीन्स इन दे है एबिलिटी कि कुछ जो है एक होस्ट में कंप्लीट करेंगे, कुछ जो है दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे. सो एग्जाम्पल कौन कौन सी है फैटी एलिमेंट्स की. नंबर वन इज ड्यूग्यूजा. इट्स इज कॉमन नेम जो है इसका प्लानेरिया है. ठीक है ना, ये इसकी डायग्राम है प्लानेरिया की, आपको दिख रहा होगा इसका हेड है यहाँ पे. मींस यहाँ पे इसका जो है सारे जो मैसेज वगैरह यहीं पे आके जमा हुए होते हैं. द सेकेंड वन इज फैसिओला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिवर फ्लूक. ये लिवर में जो है पैरासाइट होते हैं, वहाँ डिजीज कॉज करते हैं. ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. नंबर थर्ड इज टीनिया सेंगिनीटा, दैट इज स्टेप वॉर्म. जो ये भी क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और ह्यूमन और जिन्हें डिजीज कॉज करते हैं इंटेस्टाइन में. यह डायग्राम है, ये आपको लैब में भी जो है बॉटल में आपको मिलेगा ये. और इसके अलावा जो है ये पैरासाइट है. ठीक है ना, पैरासाइटिक एडेप्टेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पैरासाइट है और ये डिजीज कॉज करते हैं, और तो पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ जो है गुजारने के लिए इनमें क्या होता है कि वेल डेवलप एडेप्टेशन होती है जो इनको सूटेबल बनाती है किसके लिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ. ठीक है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें जो इनको सूटेबल बनाती है पैरासाइटिक लाइफ गुजारने के लिए. देयर थिक बॉडी कवर्ड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट बॉडी. इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक बॉडी होती है, मीन्स एक थिक कवर होता है, एक मोटा सा कवर होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है, अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट बॉडी. जो होस्ट बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है उससे जो है इनको जो है वो प्रोटेक्ट करता है. कैसे करता है, अगर हम जो है एग्जाम्पल दें टैप फॉर्म की, जो मैंने कहा कि ये इंटेस्टाइन में होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, तो कैसे जो है इनकी जो ऊपर थिक कवरिंग होती है तो कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगा इसी कवरिंग. जैसे कि स्टमक में स्टमक का जो रीजन होता है वो एसिडिक होता है, वहाँ पे HCL होता है, तो ये इंटेस्टाइन में होते हैं तो वहाँ से जो HCL है इनका डिफेंस मैकेनिज्म इनके अगेंस्ट काम करेगा. मीन्स HCL इनको जो है इनके लिए नुकसानदेह है, तो ये उससे बचने के लिए इनकी ऊपर थिक वॉल होती है जो उस HCL से, मीन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे जो है बॉडी का, उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए इनकी थिक कवर बॉडी कवर जो इनको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है ना, द स्पाइन सकर्स एंड हुक्स डेवलप फॉर द अटैचमेंट एंड हैव रिप्लेस द लोकोमोटरी ऑर्गन्स विच आर नॉट नीडेड बाय द पैरासाइटिक एनिमल्स. ठीक है ना, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं, कांटे टाइप नुमा होते हैं, सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, होश की बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. और किसको रिप्लेस करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स. मीन्स इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते. क्यों नहीं होते, बिकॉज पैरासाइटिक एनिमल्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि ये अपने खाने के पीछे भागते भागते नहीं है, इधर उसको ढूंढते नहीं कि इनको चलना पड़े भागना पड़े खाने के पीछे. ये क्या करते हैं कि पैरासाइटिक होते हैं तो किसी भी
चीज़ के ज़रिए जो है बॉडी में एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कंटेमिनेटेड फूड है कोई, ठीक है ना, उसमें ये पाए जाएँ तो उसके ज़रिए भी ये बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अगर हम जो है इसकी टैप वर्म की एग्जांपल दें तो वो मीट में होते हैं, तो मीट में अगर मीट सही से कुक ना हो, सही से साफ ना हो, उसको खा लें तो वो उसके ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो इसलिए इनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स की कोई नीड नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर स्पाइंस, हुक्स और सकर्स होते हैं जो बॉडी से अटैचमेंट में इनकी हेल्प करते हैं। देन एलिमेंट्री कैनाल इज रिड्यूस, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो या तो रिड्यूस होगा, मतलब बहुत छोटा सा होगा, या क्या होगा, इवन एब्सेंट इन टेनिया सेग्नेटा। टेनिया सेग्नेटा में इवन ये एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट। क्यों इनका एलिमेंट्री कैनाल या तो रिड्यूस होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि इनको जो है सब कुछ तैयार मिल रहा है, डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है, अपने होस्ट से ही डाइजेस्टिव फूड ले रहे हैं, मीन्स इनको डाइजेशन की कोई नीड ही नहीं है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे अंदर डाइजेस्ट कम है, क्यों है, क्योंकि हम फूड लेते हैं, उसकी डाइजेशन जो है पूरी हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है, तो हमें नीड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरी हमारे एलिमेंट्री कैनाल की हमें नीड है कि हम उसमें जो है डाइजेशन हो। लेकिन इनको तो तैयार खाना मिल रहा है, डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है, बना बनाया तैयार खाना मिल रहा है, तो इनको नीड ही नहीं है, इसलिए इनके एलिमेंट्री कैनाल या तो बहुत शॉर्ट होती है या क्या होती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है। सो देन न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं आर नॉट डेवलप ड्यू टू देयर पैसिव मोड ऑफ लाइफ। अच्छा, न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स भी इनमें सही से डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनको फूड ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती कि अपना फूड सूंघे या ढूंढे कि मतलब उसको देखे या फिर उसको सूंघे कि स्मेल से कि मेरा फूड यहाँ पर है, इनको तो बस ये पैरासाइटिक है तो जाके इन्होंने अपने होस्ट के ऊपर रहना है और वहाँ से अपना इनको फूड चाहिए। तो इसलिए जो है ना इनमें न्यूरो सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका जो है ना मच डिवेलप होता है, बहुत ज़्यादा डिवेलप होता है इनका रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन टेनिया सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट। क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो टीनिया सेग्नेटा की बात कर रहे हैं, हम टैप फॉर्म की बात कर रहे हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका सेट जो होता है, मीन्स एक सेट जो होता है हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी हाई, इनका जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा हाई है टू कोप विद अ चांस ऑफ डेंजर फ्रॉम द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट बॉडी। क्यों इनका फर्टिलिटी जो है हाई होता है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, अपनी जो ऑफस्प्रिंग अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपनी आबादी को बहुत बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इनको डर होता है कि जो कभी ना कभी जो है जिस होस्ट में मैं रह रहा होता हूँ तो रह रहा है ही, तो उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अगर जाग गए तो इनको तबाह कर देंगे, इनकी नस्ल को ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़े ताकि इनका जो है इनके पूरा आजाद और जो है पूरी पॉपुलेशन जो है तैयार बैठी हो। अगर इनकी डेथ हो भी जाए तो एक और जो है इनकी इनके औलाद प्रेजेंट हो। तो ये क्या करते हैं, इनकी फर्टिलिटी रेट जो है बहुत हाई होता है, ठीक है ना। स्प्रेडिंग एंड डिजीजेस, जैसे कि हमें पता है कि पैरासाइटिक है तो ये होस्ट पे रहेगा तो मीन्स वहाँ पे डिजीज कॉज करेगा। डिजीज कैसे कॉज होगी, ठीक है ना, इट इज़ द वर्थ वाइल टू बी अवेयर ऑफ पैरासाइटिक वर्म बिकॉज दे कॉज डिजीज मल्टीप्लाई रैपिडली। ये बहुत ज़्यादा जो है रैपिडली मल्टीप्लाई होता है क्योंकि हमने अभी कहा कि फर्टिलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है जल्दी इनकी पॉपुलेशन होती है, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होती है, बहुत तेज़ी से होती है, मीन्स मल्टीप्लाई क्या होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एंड आर वाइड स्प्रेड और बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड भी होते हैं, मीन्स डिजीज भी बहुत जल्दी कॉज करते हैं। मैनी आर स्प्रेड ड्यू टू, अच्छा क्यों होते हैं, इनकी बीमारियाँ क्यों कॉज होती है, ड्यू टू पुअर सैनिटरी कंडीशंस, मीन्स जब सफाई का सही से ख्याल ना रखा जाए तभी डिजीज कॉज करते हैं। हाइजीनिक लिविंग, मीन्स सही साफ सुथरे ना रह रहे हो, अपने हाइजीनिक का ख्याल ना रखें तब भी डिजीज कॉज करते हैं। केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ एडिबल एंड थ्रू आउट थॉरली कुकिंग ऑफ मीट आर द वे टू अवॉइड देयर इन्फेक्शन। इनसे बचने का क्या तरीका है इनकी बीमारियों से, कि हमें हाइजीन का ख्याल रखना है, अपने साफ सुथरा रहना है। इसके अलावा जो है जितने भी ईडेबल मतलब खाने की अशिया हैं उनको हमें अच्छे से देख के खाना है, अच्छे से वॉश करके खाना है ताकि इनके वॉर्म्स इनके सिस्ट वगैरह उसके ऊपर ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मीट को अच्छे से वॉश करके अच्छे से कुक करके थॉरली कुक करना, मीन्स
ऐसा ना हो कि अनकुक फूड में ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमने चाइनीज सेगनीटा का कहा कि ये मीट में होता है, गोश्त में होता है, फिर अगर गोश्त को सही से कुक ना किया जाए और वो गोश्त हम लोग खा लें तो उनके उनमें जो उनके वॉर्म होंगे वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाएंगे, फिर हमारे डायरेक्टली हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर डिजीज कॉज करेंगे। तो इसलिए जो है मीट को हमेशा सही से कुक करना चाहिए, अनकुक नहीं करना, मतलब अनकुक मीट बिल्कुल कच्चा या फिर थोड़ा थोड़ा कच्चा भी सही नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है इनके वॉर्म पाए जाते हैं। तो अगर हम कुकिंग मीट को सही से कुक करें और खाने की चीज़ सही से देखें, इसको वॉश करें, तो हम अवॉइड कर सकते हैं इसके इन्फेक्शन को। देन क्लासेस, अगर हम क्लासेस की बात करें कि देयर आर थ्री क्लासेस इन दिस फाइलम अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ लिविंग, इनके लिविंग के ऊपर जो है क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, थ्री क्लासेस है। कौन कौन सी है? टर्बुलेरिया, ठीक है ना। नंबर वन इज टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया मीन्स अ लिटल स्टिंग। ये फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स ये पैरासाइटिक नहीं होते, ये फ्री किसी पर डिपेंड नहीं करते, कुछ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं फ्री लिविंग में, अकेले रह रहे होते हैं, मतलब अपना खाना वाना ढूंढते रहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल है ड्यूगेजा, हम प्लानेरिया कह रहे थे, ठीक है ना। नंबर टू इज ट्रीमेटोडा। ट्रीमा मीन्स होल एंड कैविटी ऑफ सकर, ठीक है ना। ये एक्टो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इनकी, बाइफर्केटेड होता है, मीन्स इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है दो ब्रांच में डिवाइड होती है, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल है फैसिओला हेप्टिका, शीप लीवर भी इनको सिंपल कॉमन नेम का शीप लीवर है, फ्लूक भी कहा जाता है, ठीक है ना। नंबर थ्री इज कैसेटोडा। इट इज रिबन लाइक, रिबन की तरह होते हैं, और एक क्या होते हैं एंडो पैरासाइट है, एलिमेंट्री कैनाल में एब्सेंट होता है और बॉडी इनके रिबन की शेप की होती है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। और ये क्या है? टैनिया सेगनीटा। बीफ टेप, टेप वॉर्म भी कहा जाता है, मतलब बीफ में होते हैं ये, इनको टेप वॉर्म भी कहा जाता है कॉमन नेम इसका। ये थ्री क्लासेस है। फर्स्ट वन जो है फ्री लिविंग है, ये क्या है? एक्टो एंडो पैरासाइट है, और ये जो है ये सिर्फ एंडो पैरासाइट है, सिर्फ अंदर मतलब होता है ये इंटेस्टाइन वगैरह में, और इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है और रिबन लाइक शेप होती है इनकी। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्लेटी हेलमेंथिस। हमने आज प्लेटी हेलमेंथिस के बारे में स्टडी किया कि प्लेटी हेलमेंथिस क्या होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और रिबन लाइक की शेप होती है इनकी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो है पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ इनमें फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। तो मीन्स किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ होस्ट उसको एज अ होस्ट उसके ऊपर रहते हैं, मतलब ये एज अ पैरासाइट उसके ऊपर रहते हैं अपने होस्ट के ऊपर, और वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। क्यों होता है? ताकि क्योंकि इनके जो सेल्स, इनके सेल मेम्बर्स डायरेक्टली ये डिफ्यूजन के जरिए जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रंस जो है ये ले रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है इनमें हेड है, क्योंकि हमने पॉलीफेरा और नाइडेरिया के बारे में स्टडी किया था, तो वहाँ हेड नहीं था, ये उसके बाद जो है लीज कॉम्प्लेक्स है उसके बाद है ये, तो इनमें हेड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है प्लेटी हेलमेंट्स के बारे में बता दी है मैंने, इंशाल्लाह जो है अच्छा। ये इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर किंगडम एनिमेलिया में हम जो थ्री फाइलम ही हमारे मिड टर्म में इंक्लूड है, और बाकी जो फाइलम है इंशाल्लाह हम वो सेकंड टर्म में करेंगे। तो ये सिर्फ प्लेटी हेलमेंट्स तक आपका मिड टर्म में इंक्लूड था, और इसके बाद जो बाकी सारे फाइलम है, नाइन फाइलम है, तो नाइन में हमने थ्री स्टडी कर लिए, जो बाकी फाइलम है वो इंशाल्लाह हम अपने सेकंड टर्म में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। सो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।